नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव गुरुवार को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगे। दिलचस्प बात यह है कि अपर्णा ने इस सीट पर जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ ही बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। अपर्णा यादव ने यहाँ बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव के रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ कई भोजपुरी फिल्मों के कलाकार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से उनका मानसिक लगाव है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी पार्टी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यानी कि आजमगढ़ सीट बहुत अहम है। मेरे श्रद्धेय ससुर जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा यहाँ से लोगों को कहते थे कि उनका यहाँ से मानसिक लगाव है, बड़ी आत्मिक लगाव रहा है। इसलिए मैं यह भी कहूंगी कि आज उसी लगाव के चलते अपनी पार्टी बीजेपी से मैं दिनेश लाल यादव जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आई हूं। डिंपल यादव पर कही ये बात। अपर्णा यादव ने कहा कि ये खुशी की बात है कि मैं यहाँ के रोड शो में आई हूँ। सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी को जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जब उनसे डिंपल यादव की जनसभा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, लोकतंत्र में सब जो है वो रैलियां कर ही सकते हैं। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। धर्मेंद्र यादव रिश्ते में अपर्णा यादव के जेठ लगते हैं। अपर्णा यहाँ धर्मेंद्र के खिलाफ प्रचार करती दिखाई दी है। आजमगढ़ सीट पर सपा का जो है वो दबदबा है, गढ़ माना जाता है, लेकिन 2022 में हुए चुनाव में सीट पर बीजेपी ने सपा के किले में सेंध मारी थी। अब देखना ये होगा कि भैया अपर्णा यादव के जाने के बाद इस तरीके से निरहुआ को समर्थन मिलता है। नजर बनी रहेगी, बने रहेगी चैनल के साथ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।